नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको विद्यालय प्रबंध समिति की जो मीटिंग है सितंबर माह की, उसका एजेंडा और बैठक का जो कार्य वृत्त है वो एक नमूने के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस माह सितंबर में आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 तारीख है और जल्द ही सितंबर माह की SMC बैठक को पूरा किया जाना है, तो यहाँ पर हमने आपके सामने एक नमूना प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये राजकुमार सर के द्वारा दी गई है और बहुत ही बेहतरीन नमूना है। अगर आपको उचित लगे तो आप इन्हीं बिंदुओं पर बैठक करें और आवश्यकता अनुसार अन्य बिंदुओं को भी आप शामिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो पत्रांक संख्या है, बैठक की तारीख है, विद्यालय का U-DICE है और बैठक का जो विषय है और बैठक के अन्य बिंदु हैं, इनको कंप्लीट कर लेना है। आपको यहाँ पर सारी डिटेल इस PDF के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे कि बैठक का विषय क्या है, तो एजेंडा SMC बैठक, एजेंडा प्रस्ताव, कार्य योजना, और इसमें हम लोग लिखेंगे सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 5/9/2023 दिन मंगलवार। आपको ये सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 8/9/2023 दिन शुक्रवार को समय 12:30 से 1:30 के मध्य विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया जाना है। अतः आप सभी लोगों से विद्यालय परिवार की तरफ से विनम्र निवेदन है कि बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। ये आपका एजेंडा है जो आप अपने SMC के जो सदस्य हैं, प्रधान हैं या गांव के और जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको आप आमंत्रित करना चाहते हैं, तो इस एजेंडा के माध्यम से आप आमंत्रित करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकेंड पेज पे, चूंकि पेज की जगह भर गई है, तो सेकेंड पेज पे हम जो है एजेंडा के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको बताएंगे। सबसे पहले है इस महीने का जो महत्वपूर्ण चीज है वो है नेट परीक्षा पर चर्चा, निपुण भारत पर चर्चा, DBT पर चर्चा, नवोदय विद्यालय में प्रवेश पर चर्चा और उसकी परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा पर चर्चा, इंस्पायर अवार्ड योजना पर चर्चा, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम पर चर्चा, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा, कन्या सुमंगला योजना पर चर्चा, स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने पर चर्चा। ये 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सितंबर माह में हमारे द्वारा पूरे किए जाने हैं। और सूचना का माध्यम क्या बना सकते हैं, बच्चों के द्वारा आप इसे कागज पर लिख करके भिजवा सकते हैं, आप स्वयं संपर्क कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन, SMS या WhatsApp के माध्यम से आप इस एजेंडा को अपनी कमेटी, ग्राम प्रधान और गांव के जो सम्मानित अभिभावक गण हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। आइए अब हम लोग यहां पर जिन बिंदुओं को लिया गया है वो सितंबर माह के अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले तो पहला हफ्ता चल रहा है, ये स्वच्छता पखवाड़े से संबंधित है। बैठक का कार्यवृत्त क्या रहेगा कि आज दिनांक 8/9/2023 को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री श्रीमती, अब आपके यहाँ जो भी अध्यक्ष हो महिला पुरुष उनका नाम भर देंगे, की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई, जिस पर पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और आज की बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनाया गया। माह सितंबर 2023 को प्रथम बुधवार 6 तारीख को चेहल्लुम और 7 को जन्माष्टमी का अवकाश होने के कारण यह बैठक 8 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को होना सुनिश्चित हुई है। अतः विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा होगी। आप सभी लोगों को मालूम है कि माह के पहले बुधवार को ही SMC की मीटिंग आयोजित होती है और उसका नियम ये है कि यदि छुट्टी पड़ रही है तो अगले कार्य दिवस पर वो बैठक आयोजित हो जाएगी। तो 6 तारीख को बुधवार पड़ रहा है लेकिन 7 तारीख को और 6 तारीख को छुट्टी होने की वजह से ये बैठक 8 तारीख को आयोजित की जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। अब जो 10 बिंदु हैं उन बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नंबर 1 में है नेट परीक्षा पर चर्चा। आपको बताना है कि सरल ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों की
भाषा और गणित विषय की निपुण असेसमेंट टेस्ट का आयोजन किया जाएगा 11 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के मध्य, और ये अलग अलग तिथियों में मंडलवार आयोजित किया जा रहा है। उक्त परीक्षा में समस्त अभिभावक बच्चों को 100% उपस्थित सुनिश्चित कराएं, इस पर विस्तार से चर्चा आप लोग करेंगे। दूसरा बिंदु है निपुण भारत पर चर्चा, वहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि निपुण भारत मिशन के तहत बाल वाटिका से कक्षा 3 तक का सन 2026 से 2027 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जानी है। वर्ष 2023-24 में 25 सप्ताह की कार्य योजना पर शिक्षण कार्य किया जाएगा। प्रत्येक कालांश 40-40 मिनट का होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक समस्त विद्यालयों को निपुण बनाया जाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निपुण भारत मिशन विद्यालय कार्य योजना बनाना है और इस पर कार्य करना है। समस्त स्टाफ निपुण लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा विभाजन कर अपनी कक्षा की निपुण भारत मिशन कार्य योजना तैयार करनी है। बाल वाटिका से कक्षा 3 तक 100% बच्चों को निपुण बनाने पर चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु है नंबर 3 पर डीबीटी पर चर्चा करनी है। आपको वहां पर बताना है कि डीबीटी के द्वारा सभी अभिभावकों को 1200 रुपए की धनराशि भेजी जा चुकी है, जिससे बच्चों का बैग, जूते, मोजे, कापी किताबें लेनी है, और जिनको ये धनराशि प्राप्त हो गई है वो अपना बच्चों का जितना भी उससे सामग्री लेनी है वो ले लें। जिनको नहीं धनराशि प्राप्त हुई है वो उचित कारण का पता लगाएं और वो ये पता लगाएं कि उनका खाता बैंक सीड है या नहीं सीड है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है उनको प्रथम वरीयता के आधार पर आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा की गई है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला बिंदु है नवोदय विद्यालय के प्रवेश पर चर्चा। अब यहाँ पर यह चर्चा होगी कि वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए गए हैं। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों की परीक्षा के संबंध में तैयारी की विस्तृत चर्चा की गई है। फॉर्म भरे जा चुके हैं, करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, करेक्शन भी हो चुका है, अब तैयारी की बात है। अगला बिंदु है 5वां, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा पर चर्चा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ष 2024-25 में छात्रों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन 23/8/2023 से शुरू हो गए हैं और इसकी परीक्षा तिथि 5 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। जूनियर स्कूलों के बच्चे आवेदन करें और अभिभावकों को जागरूक कर विस्तृत चर्चा करें। इससे बच्चे को प्रतिमाह स्कॉलरशिप मिलेगी जिससे उसको पढ़ाई में बहुत लाभ होने वाला है। 6वां है इंस्पायर अवार्ड योजना पर चर्चा करेंगे। इंस्पायर अवार्ड योजना कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के बच्चों का नामांकन काल 31 अगस्त 2023 तक होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि अगस्त का महीना निकल चुका है, तो इंस्पायर अवार्ड का जो नामांकन होना था वो काम पूरा हो गया है, इसी की चर्चा करेंगे। और ये भी बताएंगे ताकि भविष्य के लिए अभिभावक और एसएमसी के सदस्य अन्य लोगों को जागरूक कर सकें कि इंस्पायर अवार्ड मानक 2023-24 में 1,00,000 छात्रों को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना के तहत 31 अगस्त 2023 तक एस वेबसाइट के माध्यम से चयनित स्टूडेंट को राष्ट्रपति भवन में पुरस्कृत किया जाएगा। इसके बाद माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम पर चर्चा होगी। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आंगनवाड़ी से संबंधित है और को लोकेटेड आंगनवाड़ी है, मतलब उसी पर्सन में यदि आंगनवाड़ी है तो प्रधानाध्यापक और समस्त स्टाफ की जिम्मेदारी है कि माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित हो, और इसकी पहली बैठक 28 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य हो गई है। प्रत्येक माह ये बैठक आयोजित की जाएगी और किस सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। किस तरीके से लिखना है वो आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा होनी है। पंचायत स्तर से जो अधूरे काम पड़े हुए हैं प्रधान जी से अनुरोध करना है कि उन्हें पूरा कर दें। और कन्या सुमंगला योजना पर भी चर्चा होनी है। कक्षा 1 में नामित छात्रा यदि पात्र है तो उसके अभिभावकों द्वारा उसका फॉर्म भरना सुनिश्चित किया जाना है। 10वां बिंदु है कि स्वच्छता पखवाड़ा मनाने पर भी चर्चा होनी है। विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा पूर्व के कार्य दिवसों 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में अलग अलग कार्यक्रमों के मध्य आयोजित किया जा रहा है।
पहले दिन स्वच्छता शपथ, इसी तरह क्रमशः अन्य दिनों पर भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसमें स्वच्छता कार्यकलाप पुरस्कार वितरण है, स्वच्छता प्रतिभाग दिवस है, हाथ धुलाई दिवस है, व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस है। 10 कार्यक्रम अलग अलग दिवसों में मनाए जा रहे हैं, इसी पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बैठक की समाप्ति कर देनी है। ये नमूना प्रारूप है, आप इसके अतिरिक्त जिन बिंदुओं को महत्वपूर्ण समझते हैं उन बिंदुओं को सम्मिलित करने की कोशिश करिएगा। वैसे राजकुमार सर ने पूरी कोशिश की है कि सितंबर माह में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा सके। अंत में आप बैठक में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके दस्तखत करा लेंगे, मुहर करके अपने SMC रजिस्टर को मेंटेन कर देंगे। ध्यान रखिएगा यह एक नमूना रजिस्टर है और इनमें बिंदुओं को घटा बढ़ा आप सकते हैं। ये सहायतार्थ हेतु आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।